हेलो गाइस, तो फाइनली हम लोग रेडी हुए हैं। अब हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, तो चलो जल्दी हमारे साथ। ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीजें तो मैं दिखाऊंगी, तो चल। तो फ्रेंड्स, अब हमने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है, तो हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। आप सामने विंडो से देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा लगा। तो चलो अब हम लोग इतने में ब्रेकफास्ट करते हैं, आपको आगे भी दिखाएंगे हम क्या करेंगे। तो अभी आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। हमने खाना खा लिया है गाइस, फाइनली अब हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग आगे बैठेंगे, उसके बाद आपको आगे हम दिखाते रहेंगे। ये जूस पी रहा है, खड़ी में बैठते हैं। ऐसे टोल प्लाजा काफी आते रहे हमारे रास्ते में, और अच्छे अच्छे व्यूज भी आते रहे, आपको दिखाएंगे। काफी आए, जितना मैं कैप्चर कर सकती थी मैंने कैप्चर किया। जैसे कि ये पता नहीं क्या लेक थी, लेकिन ये रास्ते में पड़ी तो उसको भी कैप्चर किया। बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही प्यारी। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हिमलत। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही रास्ता है, इसका रास्ता जो है ना एकदम जंगल जैसा है, ऐसा लगा जैसे कोई है ही नहीं दूर दूर तक, लेकिन वहां जाके आपको काफी लोग देखने को मिलेंगे। गाइस, हम लोग आ गए यहाँ पे भीमलत वाट करके, यहाँ पे एक नाम है। बूंदी से आगे चल के तो आपको दिखाते हैं किस टाइप से नहीं। हमने अपनी कार पार्किंग कर लिए, आगे से भी रास्ता था, हमें नहीं पता था, गलती से हम यहाँ से चले गए। काफी लोग इधर से जा रहे थे तो हमें लगा यहीं से जाना है, तो चलो फाइनली हम यहाँ से चलते हैं। अब क्या करें, जब हमें पता लगा काफी लेट हो चुकी, तो चलो कैमरा मैन पीछे भेजे। तो अब हम लोग जा रहे हैं, बीच में रास्ते में हमें ट्रेन का भी ट्रैक मिला देखने को, और चाहते तो उधर साइड से भी था कार, आप डायरेक्टली वहाँ पहुँचा सकते थे, हमें नहीं पता था, सॉरी। तो गाइस, हम लोग फाइनली पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे खाने पीने का भी है, अगर आपको कुछ खाना भी नहीं है तो स्टाइल का स्टॉल लग रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और आगे दिखाते क्या कैसे आगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्टॉल है। यहाँ पे आप चाय पानी कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे जब एंट्री किया था तो ऐसा लगा था जैसे यहाँ पे जंगल है, लेकिन यहाँ पे देखा, मैंने बोला था ना यहाँ पे काफ़ी लोग मिलेंगे देखने को, तो वास्तव में काफ़ी लोग देखने को मिले। और हम लोग लेट हो रहे थे क्योंकि हमें होटल बुक कर चुके थे हम ऑलरेडी, तो हमारा जाने में और टाइम लग जाता, तो हम लोग नीचे नहीं गए। लेकिन अगर आप लोग कोई आए यहाँ पे तो आप डेफिनेटली नीचे जाना, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। मैंने इसकी पिक्स वगैरह देखी है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नीचे शिव टेम्पल भी है यहाँ पे, शिव शंकर जी का, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। तो हम यहाँ पे टाइम नहीं था तो हम ऊपर से ही देख के आ गए, और हमने जितना हो सकता था हम लोग ना फोटो वोटो क्लिक करी और चले गए। लेकिन यहाँ घूमने के लिए कम से कम आपको 2 आवर्स तो होने नहीं होनी चाहिए आपके पास, तब तक तो काफ़ी अच्छा लगा। अब हम फाइनली अपना फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, तो उसके लिए वीडियो फोटो ये सब कर रहे हैं। नीचे तो हम जा नहीं सकते थे क्योंकि हम पे टाइम नहीं था, तो लेकिन अब अफसोस भी होता है, लेकिन टाइम भी नहीं था। अगर वो होटल ऑलरेडी बुक नहीं किया होता तो डेफिनेटली मैं जरूर जाती, और क्योंकि नीचे ट्रैकिंग है काफ़ी नीचे तक, ऐसे देखने में लग रहा है काफ़ी नीचे तक जाना पड़ता है, और नीचे झील मिलेगी अच्छे से, मतलब बहुत प्यारा था। तो आप व्यू देख सकते हैं, ये देखो आप देखना, झील दिख रही है आपको, और ये वाटरफॉल प्यारा, बहुत प्यारा वाटरफॉल। और ये वो जगह है जहाँ से आपको नीचे जाना है, यहाँ से जाओगे आप शिव शंकर जी का टेंपल देखने को मिलेगा। तो गाइस आगे चलते, मैंने आपसे कहा था ना कि रास्ते में ट्रेन ट्रैक मिलेगा, तो खाने में मिलेंगे, ट्रेन भी आ गए तो हम लोग वेट कर रहे हैं, अगर हम दूसरे रास्ते से आते हैं तो फाइनली अब हम लोग कार में बैठ गए हैं, अब हम लोग होटल के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तो बने रहे हमारे साथ। बाय बाय गाइज, बाय बाय।